एसडीएफ कुमाऊं ने नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक युवक को अवैध चरस के साथ दबोचा है। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। एसडीएफ कुमाऊं के द्वारा नशे के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। बड़ी कार्रवाई करते हुए एसडीएफ कुमाऊं ने पाटी थाना क्षेत्र के देवधुरा में डिग्री कॉलेज तिराहे के पास से चरस तस्कर राजेंद्र सिंह बोहरा उर्फ राजू को 2 किलो 479 ग्राम अवैध चरस के साथ दबोचा है। पाटी थाने के एसओ देवनाथ गोस्वामी ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर एसडीएफ ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। एसडीएफ टीम का नेतृत्व एसआई विपिन जोशी ने किया, साथ ही एएसआई जगबीर शरण, कांस्टेबल इशरार अहमद, कांस्टेबल वीरेंद्र चंद्र शामिल रहे। आज थाना पार्टी में एनडीटीएफ ऑब्लिक एसटीएफ कुमाऊं परिक्षेत्र रुद्रपुर की टीम द्वारा 2.5 किलो चरस के साथ एक व्यक्ति जो खनशु सुरंग गांव का निवासी है उसे गिरफ्तार कर थाने हाजिया में जो है एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया है। विधिक कार्रवाई कर माननीय न्यायालय पेश किया जा रहा है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।